Hello students, welcome to Takshila Learning. So I'm here with one more GS quiz. So today we are quiz number 7 mein aapke saath discuss kar rahi hoon. So let's फटाफट से questions dekhte hain. So aaj ka hamara first question hai, which organism is responsible for alcohol fermentation? Alcohol fermentation jo ki process hai jisse alcohol ki formation hoti hai. Fermentation process है जिससे हमें end product हमारा alcohol मिलता है तो इसके लिए कौन सा organism responsible है चार options हैं हमारे पास option number A is chlorella option number B is yeast option number C is agaricus and option number D is piscinia तो हमें बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा organism है जो कि alcohol fermentation में help करता है सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए अल्कोहल फर्मेंटेशन क्या है क्योंकि अगर हमें प्रोसेस नहीं पता तो हम कैसे बता पाएंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म उसमें हेल्प कर रहा है तो अल्कोहल फर्मेंटेशन इट इज बेसिकली एन एनारोबिक प्रोसेस एनारोबिक इसीलिए क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाता ऑक्सीजन का यूज ना करते हुए हम यहाँ पे यीस्ट का यूज करते हैं यानी कि सीधा सीधा आंसर हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आ जाता है यीस्ट हिट एंड ट्राई ही है ज्यादातर क्वेश्चन जनरल साइंस के या जनरल अवेयरनेस के हिट एंड ट्राई के ही होते हैं क्वेश्चंस पढ़ते ही अगर आंसर क्लिक हो गया आपके दिमाग में तो यानी कि ये राइट है अदरवाइज आपको मूव ऑन करना है ज्यादा दिमाग ज्यादा टाइम इनमें नहीं लगाना है जितना ज्यादा सोचोगे उतनी ज्यादा कंफ्यूजन होएगी एंड आंसर गलत होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे तो इट इज एनारोबिक प्रोसेस होता है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में कंडक्ट किया जाता है प्रोसेस में क्या होता है शुगर्स होती हैं यानी कि जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया तो शुगर्स होती हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है फर्मेंट करके फर्मेंटेशन जैसे कि हम बोलते हैं अल्कोहल का जब भी नाम आता है तो बोलते हैं ना कि हम हमेशा से ही सुनते हैं कि इनको सड़ा के बनाया जाता है फ्रूट से अगर बन रही है तो फ्रूट्स को सड़ा के बनाया जाता है तो वो सड़ाना मतलब खराब करना नहीं होता फॉर श्योर कोई भी चीज खराब करके तो किसी की भी हेल्थ खराब हो सकती है तो नहीं उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं बेसिकली उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे वर्क करते हैं एंड वहां पे जो है शुगर्स जो होती हैं दे आर कन्वर्टेड टू इथेनॉल या फिर जो हमारा एल्कोहल होता है उसमें एंड जो हमें एक और एंड प्रोडक्ट मिलता है इट इज अवर CO2 तो जो गैस होती है उसमें वो क्या होती है वो कुछ नहीं CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड तो ये होता है एल्कोहल फर्मेंटेशन का प्रोसेस आंसर हमें यहां से मिल ही गया है विच इज अवर ऑप्शन नंबर बी यीस्ट तो बाकी के भी तीन ऑप्शंस हैं इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं जैसे हम हर वीडियो में ही करते हैं तो क्लोरेला क्लोरेला की अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो ये क्या है इट इज अ ग्रीन एल्गे एल्गे जो कि हमें पानी पे आप देखते हो कि सरफेस पे जो ग्रीन लेयर दिखती है इट इज एल्गे जिसे हम काई भी बोलते हैं तो ग्रीन एल्गे है क्लोरेला भी एंड ये जो है बेसिकली फ्रेश वाटर में मिली जाती है तो फ्रेश वाटर जहां पे भी है वहां पे जो आपको एल्गे दिख रही है वो हमारी क्लोरेला होती है देन इसके मैं यूज की बात करूं तो फर्मेंटेशन में तो ये यूज नहीं होती है बट यस मेडिसिन के फॉर्मेशन में जरूर यूज होती है तो कुछ मेडिसिन हैं जिसको बनाने में क्लोरेला का यूज किया जाता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह भी इसको यूज किया जाता है क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन होता है तो एज ए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी इसको यूज करते हैं देन अगैरिकस की मैं बात करूं तो ये भी हमारा फंजाई किंगडम से ही बिलोंग करता है जैसे कि हमारा यीस्ट करता है यीस्ट भी फंजाई किंगडम से है अगैरिकस भी फंजाई किंगडम से है एंड पिसिनिया भी फंजाई किंगडम से है लेकिन तीनों के फंक्शंस अलग अलग हैं यीस्ट फर्मेंटेशन में हेल्प कर रहा है अगैरिकस बेसिकली ये मशरूम होता है जैसे काइंड ऑफ मशरूम तो इसमें हमें एडिबल फॉर्म्स भी देखने को मिलती हैं एंड साथ साथ हमारी पॉइजनस फॉर्म भी होती हैं तो मशरूम का ही ये एक काइंड है देन पिसिनिया की अगर मैं बात करूं तो ये भी फंजाई किंगडम से ही बिलोंग करता है एंड प्लांट पे जो बेसिकली हमें रस्ट देखने को मिलती है वो और कुछ नहीं पिसिनिया होता है तो एज अ प्लांट रस्ट जो है ये प्लांट के साथ स्टिक करता है तो ये थे हमारे चारों ऑप्शंस जिसके बारे में मैंने आपको बताया एंड राइट आंसर हमारे इस क्वेश्चन का इज ऑप्शन नंबर बी यीस्ट देन क्वेश्चन नंबर टू है आज के लिए हमारा Which of the following groups of rivers have their source of origin in Tibet? तो ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है एंड रिवर्स से आया है कि रिवर का जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है कौन सी रिवर्स का कॉम्बिनेशन है जो कि टिब्बत से ओरिजिनेट होती हैं
ऑप्शंस हैं हमारे पास. ऑप्शन नंबर ए इज ब्रह्मपुत्र इंदुस एंड सतलुज. ऑप्शन नंबर बी इज गंगा सतलुज एंड यमुना. ऑप्शन नंबर सी इज ब्रह्मपुत्र गंगा एंड सतलुज. एंड ऑप्शन नंबर डी इज चिनाब रावी एंड सतलुज. तो बेसिकली रिवर्स के बारे में अगर आपको पता है कि कौन सी कहाँ से ओरिजिनेट होके कहाँ कौन कौन सी स्टेट से होती हुई बेसिकली कहाँ पे उसका बेसिन कहाँ पे जाके गिरती है तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा. लेकिन अगर नहीं पता है रिवर्स के बारे में कुछ भी तो बिल्कुल भी अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना. 100% रॉन्ग होके नेगेटिव मार्किंग करवा कर आओगे. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं तो मैं आपको सारे रिवर्स के बारे में बता देती हूँ जितनी इसमें इंक्लूडेड है. ब्रह्मपुत्र की अगर मैं बात करूं तो यस ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है. तिब्बत से ओरिजिनेट होने के बाद ये जाती है हमारे तो ब्रह्मपुत्र बेसिकली साउथ वेस्ट तिब्बत से ओरिजिनेट होती है. देन उसके बाद आंध्र प्रदेश होते हुए ये सीधा जाके गिरती है हमारे बे ऑफ बंगाल में. तो आपको यहाँ पे ये भी रखना है. इसके लिए आप टेबल बना सकते हो कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई कौन सी स्टेट से गुजरी एंड फिर फाइनली जाके किस में जाके गिरी कौन से ओशियन में. तो ये आप एक टेबल के फॉर्म में बना सकते हो सो दैट आपके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि सारे इतने सारे रिवर्स हैं सारे किसी का भी ओरिजिन पूछा जा सकता है तो यू शुड नो. तो आप इसके लिए टेबल फॉर्म इसकी बना सकते हो. मेरा तो सजेशन यही होगा. तो ब्रह्मपुत्र बेसिकली तिब्बत से ओरिजिनेट होती है यस. तो ब्रह्मपुत्र तो एक हमारा ऑप्शन हो ही गया. ब्रह्मपुत्र आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में भी ऑप्शन नंबर सी में भी. तो बाकी का भी हमें देखना पड़ेगा. इंदुस रिवर जो कि एशिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर बोली जाती है तो ये भी यस तिब्बत से ही ओरिजिनेट होती है. तिब्बत से ओरिजिनेट होके देन फिर ये लद्दाख और कश्मीर होते हुए फाइनली अरेबियन सी में जाके गिरती है. देन सतलुज की अगर मैं बात करूं तो सतलुज ये भी क्या है ये एक इंदुस रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है तो ओरिजिनेट ये भी तिब्बत से ही हो रही है यस. एंड फाइनली जाके भी ये अरेबियन सी में ही गिर रही है. इन बिटवीन कौन कौन सी स्टेट से होकर जा रही है तो हिमाचल प्रदेश एंड जो पंजाब का बेसिकली रीजन है वहां से होती हुई ये अरेबियन सी में जाके गिरती है. तो यानी कि इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आ गया कि ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है इंदुस भी तिब्बत से ही ओरिजिनेट हो रही है एंड सतलुज भी वहीं से ही ओरिजिनेट हो रही है. तो ये हमारा यहाँ पे कॉम्बिनेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है. लेकिन बाकी ये ऑप्शंस भी हम चेक कर लेते हैं. गंगा की मैं बात करूं तो इंडिया की ही रिवर है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है एंड पूरे उत्तराखंड में ये घूम घाम के आती है. देन सतलुज सतलुज की अभी हमने बात की इंदुस की ही ट्रिब्यूटरी है. देन यमुना यमुना की अगर मैं बात करूं जिसे हम जमुना के नाम से भी जानते हैं तो यमुना जो है इट इज बेसिकली द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी किसी भी रिवर की. एंड कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है तो गंगा की ही ये ट्रिब्यूटरी है. तो ये भी यहाँ पे इंडिया में ही ओरिजिनेट हो रही है यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो हमारा आंसर नहीं है. देन ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ब्रह्मपुत्र इसके बारे में मैंने आपको बताया ये सी तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है. गंगा इंडिया में ही ओरिजिनेट हो रही है उत्तराखंड में पूरा घूमती है. सतलुज इंदुस की ट्रिब्यूटरी है तिब्बत से ओरिजिनेट होती है फाइनली अरेबियन सी में जाके गिरती है. तो यहाँ पे ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है करेक्ट. देन ऑप्शन नंबर डी है हमारा चिनाब रावी एंड सतलुज. सतलुज के बारे में हम बहुत बार पढ़ लिया अभी ऊपर. देन चिनाब और रावी जो है चिनाब और रावी भी क्या है इंडिया से ही ओरिजिनेट होती है. तो चिनाब रिवर भी इंडिया से ही ओरिजिनेट हो रही है देन ये उत्तराखंड में थोड़ा घूमती है. देन रावी की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में ये घूमती है यानी कि हिमाचल प्रदेश में हमें रावी रिवर देखने को मिलती है. अपार्ट फ्रॉम दैट जम्मू कश्मीर में भी रावी रिवर जाती है. तो यानी कि हमारा यहाँ पे जो इस हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है इट इज आवर ऑप्शन नंबर ए दैट इज ब्रह्मपुत्र इंदुस एंड सतलुज. तो ये तीनों रिवर हैं जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट होती हैं देन फाइनली इंडिया में घूम घाम के ये बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में जाके गिर जाती हैं. देन मूविंग फॉरवर्ड आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया इज. तो आइडियल रीजन जहां पे कॉटन की कल्टीवेशन की जाती है ज्योग्राफी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि कॉटन की कल्टीवेशन कौन से रीजन में की जाती है.
इसमें आप तुक्का मार सकते हो, वो कैसे? अगर आपको पता है कि कॉटन की कल्टीवेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि टेम्परेचर, सॉइल से रिलेटेड, तो आप इसमें से ढूंढ सकते हो, यानी कि ऑप्शंस में से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कौन सा रीजन होगा जहाँ पे ये सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिलेंगी, वही रीजन होगा जहाँ पे कल्टीवेशन कॉटन की जो है वो सबसे ज्यादा सुटेबल होगी। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इज ब्रह्मपुत्र वैली, ऑप्शन नंबर बी इज द डेक्कन प्लेट्यू, ऑप्शन नंबर सी इज द इंडो गैंगेटिक वैली एंड ऑप्शन नंबर डी इज द रन ऑफ कच्छ। तो कॉटन की कल्टीवेशन है, कॉटन की कल्टीवेशन के लिए बेसिकली थिक लेयर चाहिए सॉइल की। तो थिक लेयर होती है सॉइल की जिसे कि बोला जाता है रेगुर सॉइल। तो रेगुर सॉइल जो होती है हमारी, उसमें बेसिकली कॉटन की कल्टीवेशन जो है वो सबसे ज्यादा सुटेबल होती है। एंड जो कि ये हमें सॉइल हमें कौन से रीजन में मिलती है, तो ये हमें मिलती है हमारे डेक्कन प्लेट्यू में। ये वो रीजन है जहाँ की जहाँ पे हमें जो हमारी कॉटन की कल्टीवेशन है वो सबसे ज्यादा होती है। देन कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिसमें की कॉटन की कल्टीवेशन है, एंड इससे रिलेटेड मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं जो मुझे अभी रिसेंट याद आया अभी कि इंडिया जो है कॉटन की प्रोडक्शन में नंबर वन पोजिशन पे आता है पूरे वर्ल्ड में। यस, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो डेक्कन प्लेट्यू में कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो कि कॉटन को प्रोड्यूस करती हैं, इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है, तो वो स्टेट्स भी मैं आपको बता देती हूँ। तो डेक्कन प्लेट्यू में जैसे कि हो गया हमारा गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया एंड तमिलनाडु हो गया, उसके अलावा हो गया हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू की स्टेट्स हैं, इन सारी स्टेट्स में हमें कॉटन की कल्टीवेशन देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हरियाणा पंजाब का भी कुछ रीजन है जहाँ पे कॉटन की कल्टीवेशन की जाती है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर थ्री का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द डेक्कन प्लेट्यू। देन फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर डू द इलेक्ट्रिक चार्जेस रेसाइड इन अ चार्ज कंडक्टर। तो चार्ज जो जो कि बेसिकली फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, तो एक चार्ज कंडक्टर होता है। कंडक्टर यानी कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जो भी है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला कंडक्टर, तो एक चार्ज कंडक्टर में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कहाँ पे रिसाइड करता है, कहाँ पे रहता है, यानी कि उसके कोर में रहता है, यानी कि बिल्कुल मिडल में रहता है, उसके पूरी बॉडी में रहता है, नेचर पे डिपेंड करता है, या फिर पूरे सरफेस पे रहता है। ये जेंट राय का ही क्वेश्चन है, फिजिक्स से बेसिकली बिलोंग करता है ये क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर, इलेक्ट्रिक चार्ज कभी भी किसी भी कंडक्टर पे होता है तो वो हमेशा सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है जो कि पूरे सरफेस पे होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यानी कि यहां से जो हमें हमारा करेक्ट आंसर मिलता है, इट इज अवर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कभी भी आप इसका आंसर आपको ढूंढना है, कभी भी चार्ज से रिलेटेड आए तो ये हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोर में जाओगे बिल्कुल तो ही देखने को मिलेगा, नहीं, वो उसकी पूरी सर्फेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ द ओशियन अपीयर्स टू बी ब्लू बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट इज। तो यानी कि लाइट से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है कि ओशियन का कलर जो है, कभी भी आपने देखा है ओशियन हमेशा ब्लू ही हमें दिखता है, जबकि वाटर का कोई कलर नहीं होता सच, लेकिन फिर भी ओशियन का कलर हमें ब्लू दिखाई देता है। तो जब भी उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो कौन से प्रोसेस या कौन सा फिनोमिनन से होके गुजरती है सो दैट हमें ओशियन ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इज रिफ्लेक्टेड, ऑप्शन नंबर बी इज रिफ्रेक्टेड, ऑप्शन नंबर सी इज डिफ्रेक्टेड एंड ऑप्शन नंबर डी इज स्कैटर्ड। तो बेसिकली यहाँ पे जो ओशियन का कलर ब्लू हमें अपीयर होता है, इसमें जो फिनोमेना यूज होता है वो और कोई नहीं, हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि लाइट जब भी किसी मीडियम से होकर गुजरती है तो उसकी वेवलेंथ के हिसाब से वो स्कैटर हो जाती है एंड कुछ लाइट एब्जॉर्ब भी हो जाती है।
तो जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी वो लाइट ज्यादा दूर तक जाएगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो हमें सबसे कम दिखाई देगी। एंड वेवलेंथ के मैटर पे अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जो हमारे कलर्स होते हैं 7 विवग्योर जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें जो हमारा वॉयलेट कलर होता है इसकी वेवलेंथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है। दैट इज वाई हमें ओशन का कलर ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो ज्यादा स्कैटर्ड होता है ड्यू टू इट्स वेवलेंथ। रेड कलर जो होता है इसकी वेवलेंथ जो होती है मिनिमम होती है, दैट इज वाई ये ज्यादा दूर तक स्कैटर नहीं कर पाता, वेवलेंथ कम है। तो इसीलिए स्कैटरिंग का ये भी एक फिनोमेना है, जैसे सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमें सन जो है वो ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, रेडिश ऑरेंज होता है, तो वो क्यों होता है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो वहां पे रेड कलर की वेवलेंथ कम है, दैट इज वाई वो जो है वो वहीं पे ही रह जाता है, बाकी कलर्स की वेवलेंथ ज्यादा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। दिस इज द रीजन वाई हमें सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे सन जो है वो रेडिश दिखाई देता है, एंड ओशियन हमें यहाँ पे ब्लू कलर का दिखाई देता है, हमें स्काई भी ब्लू कलर का दिखाई देता है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ऑप्शन यानी कि हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्शन है सिंपली कि लाइट कहीं पे भी गई एंड रिफ्लेक्ट बैक हो गई। फॉर एग्जांपल जो हमारा प्लेन मिरर्स होते हैं उसमें हमारी इमेज फॉर्म होती है, इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन की लाइट की रे पड़ती है एंड वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। दैट इज वाई हमें हमारी ही जो इमेज है वो प्लेन मिरर में देखने को मिलती है। इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। देन रिफ्रैक्शन अगर मैं बोलूं तो रिफ्रैक्शन होता है बेसिकली जो भी मीडियम चेंज होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट जो है अपना पाथ चेंज कर लेती है, उसकी वजह से वो थोड़ा अलग दिखाई देता है जो कि होता नहीं है, तो उसी को हम बोलते हैं कि रिफ्रैक्ट हो गई, यानी कि अपने पाथ से रिफ्रैक्ट हो गई। बाकी डिपेंड्स ऑन मीडियम कि वो रिफ्रैक्ट किस डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन ये रिफ्रैक्ट होती है मीडियम चेंज होने पर। तो बेसिकली ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो होता है वो जो प्रोसेस है इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। देन रिफ्रैक्टेड यानी कि लाइट जो है सिंपल रिफ्रैक्ट हो गई, तो आज सच ऐसा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके अलावा डिस्पर्जन होता है जो कि हमारा रेनबो फॉर्मेशन होती है कि लाइट जो है डिस्पर्स हो जाते हैं सारे कलर्स, ये है लाइट से रिलेटेड फिनोमिनन जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इससे ज्यादातर आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि वो रिफ्लेक्शन का कहाँ पे यूज हो रहा है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा, रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन कहीं पे क्या कौन सा फिनोमिनन है यूज हो रहा है, एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे स्कैटरिंग का ये पूछा गया है कि ओशन हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है। तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्कैटर्ड। तो आज के हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे वाइंड अप हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी और कुछ क्वेश्चंस लेके इम्पॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन्हीं को कंपाइल करके मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो अगर आपको हमारा ये जो जो वीडियो है अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो कोई बात नहीं, आप कर दीजिए एंड बेल आइकन भी साथ साथ प्रेस कर दीजिए सो दैट कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। Do like, comment and share. See you next time. Subscribe and hit the bell icon.